नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं और वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं बजाज सिटी 100 की। तो इसका बेसिकली दो वेरिएंट होता है, एक ये नॉर्मल वेरिएंट होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहां पर एक वॉक अराउंड आपको दे देता हूं, इसका फ्रंट वाला वाइजर आप देख लीजिए। और दोस्तों एक दूसरा वाला आता है, ये वाला आप देख लीजिए। तो इनका जो स्टाइल है आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक बी लिखा हुआ है और पीछे वाला जो सीट है टोटल फैमिली परस्पेक्टिव में ये बनाया हुआ है। और फ्रंट वाला जो है ये एक रेट्रो लुक दी हुई है, जैसे कि गोल ऐसा, मतलब जो हेडलाइट है इसका टोटल सर्कुलर है। और चलिए इसका स्पेसिफिकेशन फीचर देखते हैं, इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि ये गाड़ी क्या कर सकती है। तो दोस्तों ये जो नॉर्मल वेरिएंट है ये अलॉय व्हील्स के साथ आता है, और जो दूसरा वाला वेरिएंट है वो इसमें स्पोक व्हील्स वाले आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप तो गूगल में पा ही लेंगे, तो आपको डायरेक्ट इसका राइडिंग एक्सपीरियंस का हैंडलिंग वेल्डिंग सब बताऊंगा गाड़ी चलाने के बाद। तो मेरी गाड़ी अभी प्रिपेयर हो रही है टेस्ट राइड के लिए, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो बात यह गाइस, इसका जो स्प्रिंग है ये डबल स्प्रिंग, इसका आप देख सकते हैं डबल कॉइल स्प्रिंग दिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे को चलने वक्त थोड़ा, मतलब पोर्ट होल जो है वो थोड़ा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पा रहा था मेरे को, मतलब एक्चुअली फील हुआ, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो असल में थोड़ा काम दे रहा था। तो और एक बात है गाइस, ये कि ये जो स्पोक व्हील्स है ना, ये भी अच्छी तरह से बम्प को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए तो ये जो स्पोक्स है ना, तो अगर आप समझिए, अगर फोर्स इस पर पड़ रहा है ना, तो फोर्स स्पोक्स के थ्रू आराम से ट्रांसमिट होता है इस जगह पर। तो अब इससे ट्रांसमिट होता है यहाँ पर, तो जो ट्रांसमिशन है ना फोर्स की, तो वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो स्पोक्स व्हील्स होते हैं ना, तो वो अच्छी तरह से काम करते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रा लुक दे दीजिए इसका मफलिंग के ऊपर। तो इसका साउंड कुछ खास नहीं है, तो आपको सुनाना ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। और अगर चलाने की बात करें तो इसका जो सीट हाइट है ये बहुत ही कम है, जिसके कारण कोई, मतलब एवरेज हाइटेड आदमी भी इसको आराम से चला सकता है। और इसका प्रॉब्लम है गाइस कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये थोड़ा पीछे है। तो मतलब बात यह है कि अगर कोई मोटा सा आदमी जैसे कि मैं हूँ, तो इसे बैठ के चलाए या फिर इसके पिलियन के ऊपर कुछ हेवी लोड लगा लेना, तो ऐसा लगता है जैसा ये जो फ्रंट व्हील है ये थोड़ा आगे, मतलब ऊपर उठ जाएगा। मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा पीछे है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है गाइस, ये गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह से माइलेज देती है, ये आपको 80-90 प्लस श्योर दे देगी। और एक बात मेरे को अच्छी लगी कि इसके जो हैंडल पोजीशन है ना, अगर आप टॉल गए हैं और अगर आप इस बाइक में बैठते हैं, तो इसका जो हैंडलिंग का जो पोस्चर है पूरा स्ट्रेट है। मतलब आप ज़रा गौर से देखिए इस हैंडल पार्ट को, ये से जो ऐसे कर्व दी हुई है ना, तो असल में ये एक्चुअली हेल्प करता है, क्योंकि जब इस बाइक को चला रहा था आराम से, तो मेरे हैंडल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसका जो ये पोर्शन है थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब ऐसे कोई बात नहीं, मैं नीटपिकिंग कर रहा हूँ। और एक बात है गाइस कि इसका जो हैंडलिंग के बारे में तो आपको बता दिया, और इस बाइक से आप ऐसा उम्मीद मत कीजिए कि आप इस बाइक से कॉर्नरिंग करेंगे या फिर जोर जहाँ से आप घुमाएंगे, ये गाड़ी उसके लिए बनी नहीं है। ये गाड़ी टोटल एक इंडियन फैमिली के लिए बनी है, जो कि एवरेज प्राइस में अच्छा माइलेज चाहती है और थोड़ा बहुत कंफर्ट भी चाहती है। और ये बाइक आप तो जानते हैं सिटी 100 कितना पुराना बाइक है, और इसका इंजन के बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसका इंजन एक लेजेंडरी इंजन है। क्योंकि ये बाइक बहुत ही पुराना है, इसलिए इस इंजन का रिफाइनमेंट और भी हो गया है। इस गाड़ी में मेरे को स्मूथनेस बहुत ही इम्प्रूव होता हुआ लगा एज़ कंपेरिजन टू द प्रीवियस बाइक, इसका जो मॉडल है। दोस्तों दिक्कत वाली बात यह है कि इसका जो गियरिंग जो पैटर्न है ना, वो सारे डाउन है। तो आपको, अगर आपने बाकी सब बाइक चलाए हैं, तो आपको थोड़ा, मतलब डिफरेंट लगेगा और एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसका जो गियर बटन है सारे डाउन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, समझ रहे हैं। तो अब दोस्तों इसके ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इसका फ्रंट रियर 130 एंड 110 mm ब्रेक्स आते हैं, और कहने को जाए तो इसका फीडबैक बहुत ठीक ठाक ही था। 100 cc के इंजन के 100 cc बाइक में जब जैसे होता है, तो वो ठीक ठाक ही था, मतलब ऐसा कुछ कमाल का नहीं था। और इसका तो टैंक कैपेसिटी 8 liters का आता है, और क्या बोलूँ गाइस, तो ये बस ठीक ठाक ही एक बाइक है। और इसका जो पावर और टॉर्क भी मेरे को ठीक ठाक लगा, जब भी मैं इस बाइक को चलाया तो मेरे को अर्ली RPMs में टॉर्क अवेलेबल हो रही थी, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जनरली बाइकों में टॉर्क अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है या फिर फील नहीं होती। लेकिन इस बाइक का जो वेट है ये बहुत ही कम है, लाइक 100 kgs होगा, जिसके वजह से इसका टॉर्क अवेलेबिलिटी मेरे को बहुत अच्छी तरह से महसूस हुई, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है गाइस। और बिसाइड्स ये
इसका पावर भी ठीक ठाक है 8.2 bhp, तो जो कि रिजनेबली अर्लियर rpm 7500 rpm में अवेलेबल होती है, जो कि और एक अच्छी बात है गाइस इस बाइक की। तो ये दोस्तों एक था छोटा सा वीडियो, और एक बात है दोस्तों आपको इसका थोड़ा टॉप व्यू दिखा देता हूँ। तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये आपका टैंक रह गया, और ये आपका सीट रह गया दोस्तों। तो सीट भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस सीट है, पिलियन के लिए बनाई हुई है, और यहाँ पर एक ग्रैब रेल भी दी हुई है जिससे आप अपने सब सारे चीज़ें रख सकते हैं। तो यही था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया ये सब कुछ चीज़ें, सोचता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए रोज़ लेकर ही आता हूँ।